किसी महान आदमी से हमने भी सुना था कि ओ सॉरी किसी महान आदमी से हमने भी सुना था कि अगर दारू 3 दिन की हो, मतलब खोल के फिर छोड़ दी, तो वो जहर बन जाता है। पता नहीं स्टिंग का क्या हुआ, ये 4 दिन से पड़ी हुई है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके अब इसका थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो गया है। तो आई रिकमेंड कि ये आप ना पिए, कि मतलब एक बार अगर लाई तो पूरी ही सटक लें, क्योंकि इसका टेस्ट अब चेंज हो गया, अब मैं नहीं पीऊँगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड, आई होप कि आप ठीक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारी कंसिस्टेंसी के बारे में हम बात करेंगे कि हमारी कंसिस्टेंसी थोड़ी मैं थोड़ी बहुत चेंज आ गई, बिकॉज़ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फिटनेस। और फिटनेस की ही बात पे मुझे एक बात याद आ गई, व्हेन आई ईट समथिंग एंड गो फॉर वर्कआउट आई फील मुझे कुछ गड़बड़ गड़बड़ सी हो रही है। हाउएवर मेरे कोच ने मुझे बोला है कि तुम खा के यहाँ आया करो। पर आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आप कमेंट भी बोल दीजिए कि ऐसा क्यों होता है। और आई एम न्यू टू दिस जर्नी, ये मैंने खुद से ही 90 डेज़ का जो प्लान बनाया है, सो आई एम गोना थिंक, आई एम गोना वर्कआउट एंड सी हाउ मच इम्प्रूवमेंट आई कैन ब्रिंग इन 90 डेज़। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि आज हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं, ऐसी शादी में, इट्स नॉट ए नॉर्मल शादी, मतलब नॉर्मल शादी इन द सेंस शादी तो नॉर्मल है ही, पर वेन्यू कुछ ऐसा है कि मज़ा आएगा। तो वेन्यू क्या है, वेन्यू बिल्कुल डिफरेंट सा है। लाइक वी आर गोइंग टू अटेंड द वेडिंग इन हाउस बोट। हाउस बोट में ये वेडिंग है, हमारे फ्रेंड जो कि हाउस बोट ओनर हैं, तो उनकी वेडिंग में हम जाएंगे, उन्हें हमें इनवाइट किया है, तो काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। तो इसलिए आई थॉट कि वहाँ पे भी कुछ शॉट्स लेंगे, सो दैट आई कैन शो यू ऑल कि यहाँ पे मतलब हाउस बोट्स में कैसे वेडिंग होती है। दे हैव ऑल्सो ए स्मॉल रिजॉर्ट एंड वहाँ पे मतलब उन्होंने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया है। तो चलते हैं वहाँ, देखते हैं कितना मज़ा आएगा। और खाना पीना वेडिंग वगैरह वो तो सेम होता है, बट द वेन्यू इज़ डिफरेंट, सो देर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स। अभी हम शिकारा में हैं, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से मतलब शिकारा से ही हाउस बोट तक जाना पड़ता है, तब जाके आप पहुँचते हैं। तो ये रिजॉर्ट में है, से बहुत मज़ा आया। ये मौका हर रोज़ नहीं आता है, तो मैं बहुत बहुत थैंक यू मुदस्सिर को कहता हूँ कि अल्लाह आपको बहुत कामिल ऐसी दे। और ऐसी शादी आप रोज़ करें बरकत के लिए बहुत बुराने का मौका मिले।